हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त उमैर आज़मी। आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य की। जी हां, भारत का ये वो राज्य है जहां पर टूरिस्ट घूमने आते हैं और ये राज्य अपने पर्यटक स्थलों की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। जहाँ पर लोग गर्मी की छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं तो वहीं लवर्स और कपल भी घूमने टहलने आते हैं। देहरादून का हमारा सफ़र था और हम देहरादून से रवाना हुए मसूरी के लिए। हमारे साथी, हमारे दोस्त आदित्य सेठ भी हमारे साथ मौजूद रहे। वो बाइक को राइड करते और पीछे बैठकर हम व्लॉग शूट करते और आप तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए। तो हमारा सफ़र बहुत ही आसान नहीं था, क्योंकि पहली मर्तबा मसूरी का ये हमारा सफ़र था और पहाड़ों की रानी जैसा कि मसूरी मशहूर ही है, तो ऐसे में हम पहाड़ों के रास्ते मसूरी जा रहे थे। ऐसे में रास्ते में बहुत सारे पर्वत, झील, जंगल भी पड़े जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षित थे। आप हैरान हो जाएंगे कि मसूरी एक ऐसी जगह है जहाँ के पर्वत, झील, पहाड़ियाँ आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। मौसम इतना खूबसूरत होता है, नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि मानो वक्त ठहर सा गया हो, नज़रें रुक सी गई हो और दिल ये आवाज़ देता हो कि बस बस थोड़ा और इस मंज़र को देखते जाएं। हमारे साथी आदित्य सेठ भी हमारे साथ मौजूद थे। चूँकि उत्तराखंड का हमारा ये पहला दौरा हुआ था और मसूरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश भी थी घूमने की, तो लिहाजा ये सोचा गया और तय किया गया कि मसूरी चलते हैं। फिर हम लोगों ने सफ़र देहरादून से मसूरी तक का तय किया और पहाड़ियों और वादियों के बीच ये सफ़र हमारा बहुत ही खूबसूरत भी रहा। कभी कभी ऐसे टर्निंग पॉइंट भी आ जाते थे जहाँ पे डर भी महसूस होता था। आपको बता दें, यहाँ पे देवों की नगरी भी कही जाती है मसूरी, जहाँ पे बड़े बड़े प्राचीन काल के मंदिर मौजूद हैं। आपको बताते चलें, मसूरी के लिए ये ख़ास है कि यहाँ की एक लाइब्रेरी है जो 1843 में अंग्रेज़ों द्वारा ये लाइब्रेरी बनाई गई, लेकिन इसे आगे चल के मसूरी लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया गया। ये लाइब्रेरी आज भी मसूरी में मौजूद है। आप जब मसूरी जाएं तो इस लाइब्रेरी को ज़रूर देखें, क्योंकि ये लाइब्रेरी अपने आप में बहुत ही ख़ास है। ब्रिटिश शासन में इसकी स्थापना की गई, लेकिन आज भी हम बता चुके कि ये मसूरी लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दी गई है। मसूरी वाकई दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ के पर्वत, यहाँ के झील और यहाँ के नज़ारे अपनी तरफ इंसान को आकर्षित करते हैं, लेकिन यहाँ के रास्ते उतने भी ख़तरनाक हैं। अगर आप ट्रैफिक के रेगुलेशंस और रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी ख़तरे में आ सकते हैं। तो ऐसे हालात में आपको अगर मसूरी जाना होता है तो गाड़ी सतर्कता पूर्वक ही चलाएं और जो ट्रैफिक के नियम हैं उनको फॉलो करें। ये शाम का मंज़र मसूरी में पर्यटक घूमने के लिए आए और सैलानियों का एक बड़ा हुजूम यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मसूरी में बहुत सारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक इमारतें भी मौजूद हैं। अगर आप मसूरी विज़िट करते हैं तो इन सारी चीज़ों को भी ज़रूर देखिए। मसूरी वाकई अपने आप में नुमाया है। दुनिया भर से लोग मसूरी आने की कोशिश और उनका एक ख्वाब होता है। मसूरी एक तरीके से हिंदुस्तान की धड़कन आप कह सकते हैं। आदाब, मैं राजमी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सब मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड राज्य के मसूरी। आज हमारा ये सफ़र देहरादून का था और देहरादून से हमने अपने साथी, अपने दोस्त आदित्य सेठ के साथ सफ़र मसूरी तक का तय किया। और ये मसूरी वो जगह है जहाँ पे लोग दूर दराज से, देश के अलग अलग राज्यों से, अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग कस्बों से घूमने आते हैं और यहाँ तक कि मेरी यहाँ की जो खूबसूरती है उसे देखने के लिए देश विदेश से भी लोग आते हैं। अपने आप में यहाँ की लाइब्रेरी मसूरी की बहुत खास है। अगर इसके प्राचीन इतिहास की हम बात करें तो 1843 ईस्वी में इसे अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित किया गया, उनके पर्सनल यूज़ के लिए ये लाइब्रेरी बनाई गई, लेकिन फ़िलहाल ये मसूरी लाइब्रेरी के नाम से यहाँ पे अभी मौजूद है और लोग उस लाइब्रेरी को भी देखने ज़रूर आते हैं अगर उनका दौरा मसूरी का होता है। अगर वो लाइब्रेरी का दौरा उन्होंने नहीं किया तो उनका ये सफ़र कहीं ना कहीं अधूरा, नामुकम्मल रहता है।
पीछे आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि तमाम पहाड़ियां हैं, पेड़ पौधे, घने जंगल। तो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे पिकनिक स्पॉट है, बड़ा पिकनिक स्पॉट है जहाँ पे लोग घूमने टहलने आते हैं। यहाँ पे तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि भारी तादाद में सैलानी देखे जा सकते हैं, जिस तरीके से जो लोग अलग अलग देश के राज्यों से यहाँ पर आते हैं और मसूरी की जो खूबसूरती है उससे वाबस्ता होते हैं। और हिंदुस्तान का अगर दिल कश्मीर कहा जाता है तो कहीं ना कहीं आप मसूरी को धड़कन ज़रूर समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद जो यहाँ का मौसम है और यहाँ की जो आबो हवा है, जब आप यहाँ पर आएंगे और इस आबो हवा से रूबरू होंगे और इस शहर से वाबस्ता होंगे, तो कहीं ना कहीं आप भी समझ पाएंगे और यकीन पर कर पाएंगे कि वाकई हमारे देश के जैसा कोई जगह नहीं है। और यहाँ की जो खूबसूरती है ऐसा मकाम पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, और जितनी खूबसूरती मसूरी में है वाकई वो शायद दुनिया में कहीं इतना खूबसूरत मौसम, इतना खूबसूरत पल और इतना खूबसूरत नज़ारा कहीं हमें देखने। चलो मुझे कहीं ना कहीं याद आ रहा है हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ शायरा मोहतरमा शबीना अदीब ने कभी कहा था कि मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है, ये चांद से भी प्यारा, तारों से भी हसीन है, पत्थर यहाँ के हीरे, मिट्टी यहाँ की सोना, अमृत उगल रहा है भारत का कोना कोना, ये सर जमीन अपनी जगह से कम नहीं है, मेरे वतन के जैसा कोई वतन नहीं है। तो नाज़रीन ये तस्वीरें आप देखिए, मसूरी इस वक्त हम मौजूद हैं और शाम का वक्त है, तो ऐसे हालात में लोगों का जो जमघट है, लोगों का जो जमावड़ा है वो ज़्यादातर यहाँ पर हो रहा है। लोग लोग रेस्टोरेंट पैसे पे खाते पीते से आपको नजर आ रहे, तो वाकई ये वो मकाम है जहाँ पे लोग आने के बाद अपने दिलों के जो गम है, जो खलफशार है ज़िंदगी से जुड़े हुए, जो मसायल है उनको भूल करके इंसान सिर्फ मोहब्बत की बात करता है और सुकून महसूस।